कैसे हो सभी। तो आज हम बात करेंगे मर्सिडीज बेंज नाम की एक कार की कंपनी के बारे में। और क्या आपको पता है कि मर्सिडीज बेंज में जो मर्सिडीज है वो असल में एक लड़की का नाम था, या फिर पहली मोटर व्हीकल बनाने का पेटेंट किस आदमी के पास है। और अगर आपको ये सब बातें नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखना, आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। मर्सिडीज बेंज जो कि एक लग्जरी कार कंपनी है, और आज के समय में इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। और इस कार की कंपनी की शुरुआत की थी दो लोगों ने, कार्ल बेंज और गैब्रिए डेमलर के द्वारा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1886 में, जब कार्ल बेंज नाम के एक व्यक्ति ने पहली मोटर कार बनाने की कंपनी की शुरुआत की। असल में उसके पहले जितनी भी कार वगैरह या कार्स वगैरह होती थी वो घोड़ों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। उसके पहले कार वगैरह नहीं हुआ करती थी, वो बस घोड़ों से काट लगाकर उसी से खिंचवाया जाता था। लेकिन कार्ल बेंज नाम के एक व्यक्ति ने ऐसी इन्वेंशन की जिसने मोटर इंडस्ट्री की दुनिया ही बदल दी, और इसीलिए पहली मोटर कार बनाने का पेटेंट कार्ल बेंज के ही पास है। और जहां एक तरफ कार्ल बेंज मोटर पावर कार्स बना रहे थे, और उसी साल विलियम मेबैक नाम के एक इंजीनियर और गैब्रिए डेमलर नाम के एक व्यक्ति ने हॉर्स कार्ट को पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में तब्दील कर दिया। लेकिन कार्ल बेंज ये पहले ही कर चुके थे, और इसीलिए मोटर्स कार का पहला पेटेंट कार्ल बेंज को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी डेमलर की गाड़ियां लोगों को ज़्यादा पसंद आई, और डेमलर की गाड़ियों की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा लोगों में बढ़ गई थी। और उसी साल एमिलियो जेनलिक नाम के एक बहुत बड़े और नामी बिजनेसमैन ने गैब्रिए डेमलर से उनकी एक कार खरीदी, और वो कार उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने उन्हें 4-5 कार और बनाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन शर्त ये रखी गई कि अब से जितनी भी कार्स बनेंगी वो उस बिजनेसमैन की बेटी के नाम पर बनेंगी, और उनकी बेटी का नाम मर्सिडीज था। और बस यहीं से मर्सिडीज बेंज को उसका पहला नाम मर्सिडीज मिल गया, और इसके बाद ही डेमलर्स की कार यानी मर्सिडीज ने धमाका ही मचा दिया। 1901 में इसकी पहली कार ने काफ़ी सारे रेसेस जीते, जिसकी वजह से इस कंपनी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा लोगों में बढ़ गई। और इसके बाद सब एकदम सही चल रहा था, कार्ल बेंज की कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही थी, और डेमलर यानी मर्सिडीज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। लेकिन उसी के कुछ समय बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी जर्मनी में कार इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, और वो हादसा था वर्ल्ड वॉर 1, जिसके कारण जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, और वहाँ की कार इंडस्ट्री पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनके काफ़ी सारे फैक्ट्रीज पे बमबारी की गई, और सोवियत यूनियन ने उनके बहुत सारी फैक्ट्रीज और वर्क प्लेसेस को जब्त भी कर लिया था, जिसके कारण कई सारी कंपनियाँ बर्बाद होते होते रह गई। और दोनों कंपनी की गिरती हालत को देखकर कार्ल बेंज ने 1919 में डेमलर के पास एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएं। बट उस साल डेमलर ने ये प्रपोजल ठुकरा दिया। उसी के कुछ साल बाद डेमलर को भी ये रियलाइज हो गया कि अकेले रहकर वो इस कार की कंपनी को और ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, इसीलिए 1924 में फाइनली ये कंपनी मर्ज हो गई। और इसी के बाद से इस कंपनी को उसका असली नाम मिला, द मर्सिडीज बेंज। और ये फैसला दोनों ही कार की कंपनियों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। कुछ ही समय में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और दोनों कंपनियों को फिर से मौका मिला अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का। और इस बार दोनों कंपनियों ने मिलकर प्रीमियम और लग्जरियस कार का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन दोनों कार्स की कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और आने वाले एक साल में ही इसने अपने 8,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए। और इसी के कुछ सालों बाद सन 1930 में मर्सिडीज बेंज ने अपनी एक प्रीमियम कार लॉन्च की, जिसका नाम था मर्सिडीज बेंज 770, जो कि आते ही लोगों की सबसे लोकप्रिय कार बन गई। और यहाँ तक कि उस वक्त के तानाशाह द अडॉल्फ हिटलर ने भी 770 को खूब सराहा, और अपने रोज़मर्रा के ट्रैवल के लिए वो उसी कार का इस्तेमाल करने लगे। और उसके बाद आज मर्सिडीज बेंज क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। मर्सिडीज बेंज की प्रीमियम क्वालिटी और उसके लग्जरियस डिज़ाइन के कारण लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसने फ्यूचर में भी हमें ऐसी कार्स देने का वादा किया। आप मैं बात करने जा रहा हूँ मर्सिडीज बेंज की एक बहुत ही प्रीमियम फ्यूचर कार के बारे में, जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज विजन अवतार, जिसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अवतार फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। ये कार क्यों खास है ये आप इसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इस कार में पूरा 360 व्यू है, अगर इसके अंदर कोई आदमी बैठेगा तो उसे पूरा 360 व्यू उसे मिलेगा। ये कार एक अडेप्टेबल फ्यूचर के साथ बनाई गई है, जिसके कारण ये अपने मालिक को अच्छे से स्कैन कर लेती है,
और उसके मन मुताबिक ही उसे कंफर्ट देती है। में AI बेस्ड टर्बोचार्ज इंजन्स लगाए गए हैं जिसके कारण ये सुपर कार्स की श्रेणी में आए। और इसी के बाद हम अब ये समझ सकते हैं कि क्यों मर्सिडीज बेंज ने अपना स्लोगन रखा है द बेस्ट और नथिंग, और आज भी वो अपने स्लोगन को बनाए हुए हैं। तो ये थी मर्सिडीज बेंज के ऊपर एक कमाल की वीडियो। होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।